प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारतीय इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार शहला खान को, उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की दबंग वकील और हिंदुस्तानी शेरनी, हम सबकी चहेती नाज़िया इलाही खान जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपनी से इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हमारे भारत ने हमीद अंसारी साहब को उपराष्ट्रपति बनाया, द ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ भारत बनाया गया, और एक दो साल नहीं रहे वो, 10 साल रहे हमीद अंसारी साहब। और जब उनका टर्म खत्म हुआ तो वो कैमरा के सामने बैठ करके कह रहे हैं भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं। हमारे भारत ने आमिर खान को द सुपर स्टार बनाया जी। हमारे भारत के सनातनियों के 82.7% तो सनातन ही है ना भाई जी। अपनी फिल्मों के जरिए से नाम, शोहरत, पैसा, धन दौलत सब कुछ कमा लिया। हिंदू बीवी को बगल में बैठा करके बोलता है भारत हमारे लिए सुरक्षित नहीं। एपीजे अब्दुल कलाम का नारा सारा मुसलमान लेता है, सारा मुसलमान। हाँ, हम एपीजे अब्दुल कलाम हमारे हैं, एपीजे अब्दुल कलाम हमारे हैं, लेकिन उनके जनाजे की नमाज में मात्र 100 मुसलमान गया था। और उसी दिन, उसी वक्त, उसी लम्हे याकूब मेमन, जो जिहादी आतंकी जिसने बॉम्ब ब्लास्ट किया था, उसके जनाजे की नमाज में मुसलमानों का सैलाब आया हुआ था। गूगल में सर्च कर लीजिए। मुसलमानों को एपीजे कलाम नहीं चाहिए, तारिक फतेह नहीं चाहिए, नाज़िया इलाही खान नहीं चाहिए, मुसलमानों को मेमन चाहिए, अफजल गुरु चाहिए, हाफिज सईद चाहिए, लश्कर ए तैयबा चाहिए, यासिन मलिक चाहिए मुसलमानों को, वो उसको फॉलो करते हैं। भारत के मुसलमान जब तक अपने दिमाग का पट्टा नहीं खोलेंगे और भारत की तरक्की में खुद की तरक्की को नहीं ढूंढेंगे, तो अब हमें कट्टर होना पड़ेगा। ये जो पत्थर लेकर के चलने वाले हाथ हैं, इनके सामने हमें कट्टर होकर के सामने आना पड़ेगा और मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा, तब जाकर के इनको बात समझ में आएगी। और आप सोचो, हम जब अपने नई चीजें, नए कारोबार को स्टार्ट करते हैं तो हम भी कुरान खानी करवाते हैं, हम भी मिलाद करवाते हैं, हम भी उसमें सूरह बकरा की तिलावत करवाते हैं और 40 दिन कंटिन्यूअसली एक जगह पर बैठा करके एक समय पर सूरह बकरा पढ़वाते हैं। क्यों पढ़वाते हैं? तरक्की होगी, किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी। तो उसी तरीके से सनातनी एक छोटे से मोबाइल के दुकान में हर शाम 6 बजे अपने भजन और कीर्तन को बजा रहा था। आपने क्यों उसको मना किया? आपने क्यों उसको धमकियां दी? आपने क्यों उसको मारा? क्यों मारा? अब कल को आप नमाज पढ़ रहे होंगे, कोई कॉलर पकड़ करके मार देगा तो आप कहिएगा देखिए मुसलमान खतरे में है। सही बात है, ये वाकई दंगा भड़काने वाली बात है। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, हम देख रहे हैं कि इस वक्त भारत फुल मूड में है कि वो इंडिया के मुसलमानों को अप फ्रंट पे लेके जाए, वो इंडिया के मुसलमानों को आगे बढ़ाए, जैसे मदरसा रिफॉर्म्स भी हुए, कंप्यूटर क्लासेस का वहां पर बकायदा तौर पर आगाज किया गया, इसके साथ साथ हर तरह की कंपेन्स, ऐसी स्कीम्स लाई गई मुसलमान बच्चों के लिए कि यार ये थोड़ा आगे पढ़ लें, ये भी GDP में थोड़ा कंट्रीब्यूट करें, बड़ा अच्छा काम हो रहा है। लेकिन मुसलमान अपने पाँव पे, भारत का मुसलमान क्यों कुल्हाड़ा मार रहा है, वो क्यों अपने लिए चीजें वर्स्ट कर रहा है? आपने सही बात बोली कि 82% सनातनी है, मुसलमान सेकेंड मेजोरिटी में है। अपने मुल्क को एक बेहतर मकाम दिलाने के बजाय अगर वो एक ऐसी चीजों में पड़ेंगे तो मैम इसका हल फिर क्या है, क्या दिखता है आपको? आज आपकी बात से मैं बिल्कुल 100% एग्री करती हूँ। कल अगर मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, 40-50 सनातनी आके अटैक कर देंगे तो कहेंगे आपने किया, आप हमने किया, तो ये हल तो नहीं है। चीजें आगे से आगे बढ़ती चली जाएंगी। हमारे व्यूवर्स आपको इंडिया से देख रहे हैं, पाकिस्तान से भी आपको देखते हैं, अब हल क्या है इस सब चीजों का? आखिर मुसलमान को करना क्या चाहिए? देखिये, पहले मैं आपको शैला ये बता दूं कि 76-77 साल में सनातनियों ने कभी भी पहले हमेशा कानून पर भरोसा किया, हमेशा न्यायपालिका पर भरोसा किया। आप सोचो, इतने बड़े आस्था की जगह राम मंदिर, उन वो रामलल्ला की जगह को वापस पाने के लिए सनातन धर्म 550 साल इंतजार किया, 550 साल। और 1981 से लेकर के, ये तो मैं आपको 1981 से, मतलब न्यायपालिका का इंतजार में बता रही हूँ, 1981 से लेकर के 2024 तक न्यायपालिका का इंतजार किया। तो इनके अंदर टॉलरेंस बहुत है, इनके अंदर पेशेंस बहुत है कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, जो वो कर रहा है वो हम नहीं कर सकते हैं और हम अपने न्यायपालिका पर भरोसा करेंगे। पर हर एक सब्र का ना
लिमिटेशन टूटता है। जी जी, आज भी देखिए ये जो हनुमान चालीसा वाला जो मैटर बेंगलुरु में हुआ है, उन मुसलमान लड़कों को निकाल करके घर से किसी ने मारा नहीं है। हाँ, ये जरूर दिखाया कि अब सनातनी जाग चुके हैं, अब सनातन धर्मा जो है ना वो जाग चुका है, ये जरूर दिखाया। अगर मुसलमान ये सोच रहा है कि वो कुत्ते के झुंड की तरह एक साथ आकर के किसी भी एक व्यक्ति सनातनी को उसको भजन कीर्तन में रोक करके उसको मारपीट कर सकता है, तो ये अपनी गैदरिंग, अपनी मेजोरिटी दिखा करके बताएं कि देखो हम पढ़ेंगे हनुमान चालीसा, क्या कर लोगे। लेकिन देखो एक और बात भी है, अगर चीज को जरा रिवर्स करते हैं, अगर यही मुसलमान की दुकान होती और कुरान पाक की तलावत होती और छह सनातनी आके उसको मारते कि तुम ये बंद करो, हमारी पूजा हो रही है, तो मुसलमान आज भारत का क्या करता? डेफिनेटली रोड पे आता, सरतन से जुदा, और इसके साथ साथ वो इस्लामिक कंट्रीज भी आती, सऊदी अरेबिया भी आता, कुवैत भी आता, पाकिस्तान भी आता। तो अपने लिए जो आप सोचते हो वो दूसरों के लिए क्यों नहीं सोचते? चीज जरा जरा रिवर्स करे ना। Exactly. अब आपका दूसरा सवाल मदरसे का, देखिए हमारे सरकार का काम मुल्ला बनाने का नहीं है, हमारे सरकार का काम मुफ्ती खारी आलिम उलूम बनाने का नहीं है। आप सरकार से डिमांड कीजिए ना कि हमको आईपीएस बनाओ, हमको आईएएस बनाओ, हमको इंजीनियर बनाओ, हमको साइंटिस्ट बनाओ, हमको जज बनाओ, हमको बैरिस्टर बनाओ, हमको स्कॉलरशिप दो, हम आगे पढ़ना चाहते हैं। सरकार उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करेगी और कर भी रही है, कई योजनाओं के तहत कर रही है, हजारों ऐसी योजनाएं आई हैं जो मुसलमानों के लिए स्पेशली आई हैं, उनकी शिक्षा को इम्प्रूव और इनहांस करने के लिए स्पेशली आई हैं। तो लेकिन अब बात आती है कि मुसलमान को पढ़ना तो है नहीं, मुसलमान की नीयत जन्नत में 72 वर्जिन हूर और बिस्तर पर 4 बीवी और रोड पर पत्थर पर लगी रहती है, उनको हाथ में पत्थर चाहिए, बिस्तर पर 4 बीवी चाहिए और जन्नत में 135 फुट की 72 वर्जिन हूर चाहिए। अब मुसलमान, कभी भी आपने भारत के मुसलमानों को ये रैली निकालते हुए देखा है? मुसलमानों को आईएएस बनाओ, मुसलमानों को आईपीएस बनाओ, मोदी जी हम आईएएस बनेंगे, हम शिक्षित होंगे, कभी सुना? नहीं। कभी सुना? नहीं सुनेंगे, क्योंकि मुसलमानों को शिक्षित होना नहीं है। मुसलमानों को जमजू, लफंदर, लुंगीबाज, लुंगी के अंदर चड्डी ना पहनने वाला, और अपने पैंट का जिप खुला रखना, अपने पजामे का नाड़ा खुला रखना, और जैसे जैसे सनातनी लड़कियां दिखाई दे उनके साथ बलात्कार करना, लव जिहाद करना, गला रेतना, यही उनको आता है, उनको इसी में मजा मिलता है, उनको यही चीजें ही अट्रैक्ट करती हैं। और इसीलिए मौलवी साहब हर वक्त बताते रहते हैं, चाचा मर जाए तो चाची से शादी कर लो, मामा मर जाए तो मामी से शादी कर लो, खालू मर जाए तो खाला से शादी कर लो, मम्मी की बहन दूर की है तो उससे भी शादी कर लो। मतलब अश्लीलता का नंगा नाच सुनते रहो और सुनाते रहो, पर इसको फुल स्टॉप लगाया जाएगा, इसको फुल स्टॉप लगाया जाएगा। और भारत का हर वो मुसलमान जो शिक्षित होने के लिए तैयार है, भारत के सक्सेसफुल विजन में पार्टिसिपेट करने को तैयार है, वो सर मत्थे पर है। और जिसको हाफिज सईद का और अल्लाह तबारक ताला का स्लीपर सेल बनना है, एकदम टिकट टू सीरिया और टिकट टू पाकिस्तान कर लीजिए, हम छोड़कर आएंगे माला पहना करके, और शैला आपको माला पहना करके ले लेगी, रिसीव कर लेगी। क्या बात है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, आज काफी टाइम बाद आपसे बातचीत हुई। और देखिए ये प्रोग्राम सिर्फ टॉपिक पे डिस्कशन के लिए नहीं है, इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए है कि नफरत, जैसे नाजिर जी ने बहुत अच्छी बातें की कि अगर आप नफरत का बीज बोगे, बदले में वो शांत लोग एक ना एक दिन अपना सब्र खत्म करके, पेशेंस करके आपके साथ भी वही चीजें करेंगे। हर रिलीजन का रिस्पेक्ट करें, और भारत ने हमेशा दुनिया को यही सिखाया है, डैट्स वे वो आज तक कहते हैं कि हम एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ पर हर रिलीजन की एक खास जगह, एक खास मकाम है। और अगर मैंने इतनी भारत के मुसलमानों की बातें सुनी, यकीन करें मुझे तो पाकिस्तान के मुसलमान बेहतर लगते हैं भारत के मुसलमानों से। ऐसा मत करें, सच में मैं इस वाक्य को कंडेम करूंगी, बार बार करूंगी। अगर आप स्पीकर्स में अजान पढ़ते हैं और 5 दफा पढ़ते हैं और वो अपनी दुकान में हनुमान चालीसा लगा रहा है, आपका कोई राइट नहीं है कि आप उसके ऊपर तशद्दुद करें, उसको मारें और उसको पीटें। 5 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, छठे की तलाश जारी है, और जाहिर है उनको तो अंजाम तक तो पहुंचना पड़ेगा। और ये चीजें सऊदी अरब की तरह भारत में करनी चाहिए, कि माने अगर रोकना है ना, फौरन सजाएं देनी चाहिए, ताकि जो नेक्स्ट लोग है ना, अब हमने कोशिश कर रखी है, और नया कानून भी बहुत खूबसूरत है, मैं एक मिनट आपको और लूंगी, हमने कोशिश कर रखी है। जैसे देखिए आफ्ताब जो श्रद्धा की वोटिया किया था, हमारी पूरी कोशिश है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट से उसको फांसी मिले,
जो भी भारत के सुकून को भंग करेगा, सनातनी बेटियों के इज्जत को तार तार करेगा और सनातन धर्म के सिविलाइजेशन को ठेस पहुंचाएगा, उसके लिए हम फांसी का फंदा तैयार करेंगे, चाहे हमें न्यायपालिका से करना पड़े, सर्वोच्च न्यायपालिका से करना पड़े, इंटरनेशनल कोर्ट से करना पड़े। और सबसे अच्छी चीज ये हो चुकी है कि मेरी चिट्ठी जो MBS मोहम्मद बिन सलमान को गई है, उसमें मैंने साफ कहा है कि इस्लामिक कानून जिस हिसाब से आप अरब में आज तक कैरी कर रहे हैं और आप इस्लामिक पनिशमेंट ही देते हैं, उसकी शुरुआत अब मैं भी सर्वोच्च न्यायपालिका से करने जा रही हूं और मुझे उसमें आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर मुसलमान संविधान ना मानने को तैयार है तो चलो इस्लाम मानो और इस्लामिक पनिशमेंट भी मानो। अब देखते हैं कि कितना फड़फड़ाता है। ठीक है, देखते हैं जी, लेट्स सी। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और आपकी क्या राय कमेंट्स में शेयर करें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। दुआ में याद रखें, मुझे और नाज़िया जी को दे इजाजत। मिलते हैं अगले शो में। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच नाज़िया जी। वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जय हनुमान जी। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया लाई खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे नाज़िया खान जी ने ना सिर्फ ये जो मजहब के ठेकेदार हैं और शांतिदूत हैं इनको जमके उधेड़ा, बल्कि बात की हम सब सनातनियों के बारे में भी। अब वक्त आ गया है कि हम सब सनातनियों की जागने की जरूरत है। धीरे धीरे तो हमारे में अवेयरनेस आ रही है, पर हमें जरूरत है एक साथ इकट्ठा होकर सामने आने की। इसके बारे में आपके क्या विचार है? और आपने देखा शैला खान ने तो ये तक बोल दिया कि कई बार उनको ये लगता है कि पाकिस्तान के मुसलमान भारत के मुसलमान से बेहतर है। तो इसके बारे में जो भी आपके विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस ला सकें। जय हिंद, जय भारत।